टॉपिक हमें कंटिन्यू करना है और सेल के टॉपिक में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो आज से हम एक एक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट अपना है, वो अपना फर्स्ट जो पार्ट है वो है आज का सेल मेम्ब्रेन। क्या है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग बात करनी है अपने को आज, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके कुछ और भी नाम होते हैं, कुछ और नामों से जानी जाती है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होगी वैसी ही सेल की शेप होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर कोई सेल मेम्ब्रेन राउंड शेप में है, गोल है, तो सेल का जो शेप है, जो सेल की जो आकृति है, वो भी कैसे हो जाएगी? राउंड गोल हो जाएगी। अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगी। कहने का मतलब ये शेप प्रोवाइड कर रही है किसको? सेल को। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग फॉर सेल एंड सम ऑफ ऑर्गेनेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आउटर कवरिंग फॉर सेल, सेल के चारों ओर, सपोज करो ये सेल है तो इसके जो चारों ओर जो कवरिंग बनी हुई है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। शेप प्रोवाइड कर रही थी तो फॉर सेल, सेल के लिए भी ये कवरिंग मेम्ब्रेन है। और जो सेल के अंदर जो चीज, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो भी मेम्ब्रेन से बंधे हुए रहते हैं, उनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, सेल के चारों तरफ पाई जाती है। लेकिन सेल के अंदर भी जो अंग होते हैं कोशिका के, सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन पे भी एक कवरिंग चढ़ी होती है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। ये पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोवाइड द शेप टू सेल, बता चुके हैं। कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। ये किससे बनी हुई है? जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर के बनती है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती है। फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड होती है और प्रोटीन से मिलकर के बनती है, ठीक है। इनको डिस्कस करेंगे बाद में, अभी बस ये जान लीजिए कि हाँ ये किस किस चीज से मिलकर के बनती है। अगला एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है और यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आपको बहुत ध्यान से, बहुत सलीके से समझना है। ये जो पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की, इसकी, ठीक है, एक एक शब्द के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन टू सेल, सेल के अंदर कोई मटेरियल अंदर आ रहा है और अंदर से कोई मटेरियल बाहर जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। तो अंदर आने को एंट्री, बाहर निकलने को एग्जिट। तो कोई भी मटेरियल सेल के अंदर आएगा और कोई मटेरियल सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। इसको कंट्रोल कौन करेगा? कौन इस चीज के ऊपर रोक लगाएगा कि ये चीज अंदर आनी चाहिए, ये चीज बाहर जानी चाहिए, या केवल यही चीज अंदर आएगी दूसरी चीज अंदर नहीं आएगी? इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल सेल से बाहर जाएगा। और ये घटना हमने बताई है, जो घटना हमने बताई है कि कौन सा मटेरियल अंदर आए, कौन सा मटेरियल बाहर जाए, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मैंने कैप्स में लिखा है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्यता, चयनात्मक पारगम्यता। मैं हर एक वीडियो में बस आपसे ये बात बोलता हूँ, शब्दों के अर्थ को जानना है, बायोलॉजी अपने आप आसान हो जाएगी। नॉट ओनली बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सब्जेक्ट जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों के अर्थों को समझना है आपको। तो सेलेक्टिव मतलब हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। परमिएबिलिटी, पारगम्यता, हिंदी में समझिए, एक शब्द आया है पार, दूसरा शब्द आया है गम्यता। गम्यता मतलब गमन करना, जाना आना। पारगम्यता मतलब किसी के अक्रॉस जाना, किसी में से पार होकर के निकलना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक झिल्ली है, इसमें से ये चीजें पार होकर के निकलती हैं, तो यहां से यहां जा रही है। किसके थ्रू जा रही है? वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू जा रही है, झिल्ली के थ्रू जा रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव
परमिएबिलिटी, ठीक है, ये क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा इसी परमिएबिलिटी को आगे पढ़ना है हमें, परमिएबिलिटी थोड़ा पढ़ लेते हैं, बेसिक नॉलेज हमें मिल जाएगी तो हमारे कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर होते हुए आगे की तरफ चलते हुए जाएंगे, बढ़ते हुए जाएंगे। परमिएबिलिटी का मैंने मीनिंग बताया पारगम्यता, मैंने मीनिंग क्या बताया इसका, ये पारगम्यता मैंने इसका ये मीनिंग बताया, मतलब किसी के आर पार गमन करना, पार मतलब किसी के आर पार, गम्यता मतलब गमन करने की क्षमता, ठीक है। तो ये जो परमिएबिलिटी है इसके तीन कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली, नंबर एक कोई चीज परमिएबल होगी, नंबर दो इम्परमिएबल होगी, नंबर तीन सेमी परमिएबल होगी। तीन चीजें हैं, परमिएबल मतलब कोई भी चीज आ जा सकती है, ठीक है, कोई भी चीज आर पार आ जा सकती है। इम्परमिएबल पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल, ऐसी परमिएबल का उल्टा इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब कोई भी चीज उसके अक्रॉस आ जा नहीं सकती है। सेमी मतलब, सेमी का मतलब देखिए, ये जो सेमी वर्ड आया है ना, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब क्या होता है हाफ, वन बाई टू, मतलब कि आधी चीजें जाएंगी आधी चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब सपोज करो कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ए है दूसरा मॉलिक्यूल बी है, दो मॉलिक्यूल हैं और ये हमने बनाई है, ड्रॉ की है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये सेल है, ये कंप्लीट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। इस सेल की मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाया कि सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसी होती है, समझने के लिए मान लीजिए थोड़ा ये है। तो सपोज करो हम परमिएबल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, परमिएबल में दो मॉलिक्यूल हमने लिए ए और बी, हमको दो मॉलिक्यूल सेल के अंदर या बाहर भेजने हैं, तो ए ए बी अंदर चला गया, आप देख रहे हैं अंदर चला गया, ठीक है। आप इसको ऐसे मानो कि जो ये वाला जो ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है ये यहाँ पे रखा हुआ है, सेल के अंदर जाने की बात कर रहे हैं, तो ए वाला मॉलिक्यूल है वो भी अंदर चला गया, बी वाला है वो भी चला गया, इसका मतलब ये परमिएबल है, परमिएबल पारगम्य है, पारगमन कर रहा है, गमन मतलब जा रहा है, ठीक है। अगला है इम्परमिएबल, मैंने दो मॉलिक्यूल लिए एक ए एक बी, ए ने जाने की कोशिश की लेकिन ये जा नहीं पाया इसके अक्रॉस, देखो नहीं जा पाया, टकरा के इस झिल्ली से टकरा करके वापस लौट आया। बी ने जाने की कोशिश की, टकरा करके वापस लौट आया, पार नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इम्परमिएबल है ये, अपारगम्य है ये, ठीक है, ये पारगम्य है ये अपारगम्य। उसके बाद में सेमी परमिएबल, दो मॉलिक्यूल हैं ए और बी, ए ने जाने की कोशिश की, ए इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इसके पार निकल गया, लेकिन जो बी है, बी मॉलिक्यूल आप देखिए यहाँ, बी मॉलिक्यूल जाने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया, वापस लौट आया, तो एक गया एक नहीं गया, ठीक है, इसलिए सेमी परमिएबल है। कहने का मतलब सेमी मतलब हाफ, टोटल कितने थे 100%, ठीक है, 100% थे ए और बी, तो 50% तो निकल गया, यानी कि ए निकल गया और बी नहीं निकल पाया, तो सेमी परमिएबल हुआ, आधी चीज अंदर गई है। ये वाला जो डायग्राम दिया, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये अंदर जा रही है इसके थ्रू, तो वो सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल और परमिएबल, तीन कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। इसी के थ्रू हमें समझना है सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज को, सेल की बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, उनको हमें जानना है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब एक घोल दिया हुआ है, घोल पानी चीनी का हो सकता है, सबसे सिंपलेस्ट कि पानी में चीनी घोल दो, एक घोल बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। ये मैंने घोल बनाया हुआ है, घोल पानी और चीनी का, शरबत जिसको बोलते हैं, ये चीनी है, शुगर है और ये पानी है, तो कौन किसको घोल रहा है, हम कहेंगे पानी चीनी को घोल रहा है, पानी में चीनी डालेंगे चीनी घुल जाएगी, तो ये चीनी है, शुगर है, ये पानी है जो घोलने वाला है, तो ये सॉल्वेंट हुआ, ये सॉल्यूट हुआ। सॉल्वेंट सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, सॉल्यूट वो चीज होती है जो घोली जाती है और जिसमें घोली जाती है वो सॉल्वेंट होता है, दोनों को मिलाने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये चीजें अभी यूज होंगी इसमें। दो प्रोसेस हैं, सेल के अंदर कोई चीज अंदर जाएगी और सेल के अंदर से कोई चीज बाहर आएगी, तो अंदर जाने की प्रक्रिया और अंदर से बाहर आने की प्रक्रिया किसके माध्यम से हो रही है, ये हो रही है
सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सब आदान प्रदान मटेरियल्स का हो रहा है, ठीक है। तो इन प्रोसेस को हमें पढ़ना है, दो प्रोसेस हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। देखिए, सेल के अंदर कोई चीज आएगी, जरूरी है, सेल को पानी की आवश्यकता है, सेल को भोजन की आवश्यकता है, तो सेल किसी न किसी चीज को अपने अंदर समाहित करेगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे या कोई और चीज होगी जो सेल के अंदर बनी हुई होगी, उसको सेल को बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो ये अंदर बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से हो रही है, वो हो रही है सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हमें पढ़नी है, एक होता है आपका डिफ्यूजन और एक होता है अपना ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, पहले डिफ्यूजन को पढ़ लेते हैं, जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ये ध्यान रहे, इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही गहराई से, बहुत ही ध्यान से समझना है। अक्सर बच्चे इस दो कॉन्सेप्ट में बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। आप हायर एजुकेशन तक कर लेते हो, लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं, हम हमेशा इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए आज इस जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं इनको हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल दूर कर देते हैं। डिफ्यूजन की बात करते हैं जी। लिखा हुआ क्या है, मूवमेंट ऑफ बोथ, बोथ मतलब दोनों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मूवमेंट हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन, बेसिक, बिल्कुल बेसिक समझना है। आप कंसेंट्रेशन भूल जाइए एक पल के लिए, आप बस इतना याद रखिए, ज्यादा मात्रा कम मात्रा, ज्यादा मात्रा कम मात्रा, हायर कंसेंट्रेशन ज्यादा मात्रा है, लोअर कंसेंट्रेशन कम मात्रा है, किसी भी चीज की मात्रा हो सकती है, मात्रा तो समझ जाएंगे ना, हिंदी में बता रहे हैं बिल्कुल। तो इसको डिफ्यूजन को अभी हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो, अब बहुत ही आराम से समझते हैं। देखिए, ये एक पानी की टंकी है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस पानी की टंकी, ये पूरी पानी से भरी हुई कंप्लीट, और ये वाली जो टंकी है वो बिल्कुल खाली, इसका मतलब ये एक नंबर टंकी और ये दो नंबर टंकी। एक नंबर टंकी पानी से कंप्लीट भरी हुई है और ये दूसरी वाली खाली है। मैंने इसको एक ट्यूब के माध्यम से इनको जोड़ दिया है और यहां मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दिया है, ये मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, यहां पानी की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर कंसेंट्रेशन हाई है, ठीक है, और यहां पर कंसेंट्रेशन बिल्कुल कम है, तो यहां से पानी यहां जाना शुरू करेगा और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। ये पानी जो है यहां से निकल करके उस साइड में पहुंच गया, दोनों बराबर, देखो इसका लेवल भी ये है, इसका लेवल भी ये, दोनों बराबर हो गए। पहले कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा थी, वहां पे कम थी। तो मूवमेंट हमेशा जनरली तौर पे हम बात करें, नेचुरली मूवमेंट कहां होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तरफ, ठीक है। आप पहाड़ी रास्ते पे आप गए होंगे तो वहां बहुत कभी ढाल आता है, कभी चढ़ाई आती है, कभी ढाल, तो आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल से चल रहे हैं तो आप एक ऊपर हो, ठीक है, अगर आप ऊपर हो ढाल के, तो ढाल से आप बिना पैडल मारे साइकिल नीचे की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाए, क्योंकि ऊपर कंसेंट्रेशन हाई है, नीचे कंसेंट्रेशन लो है, आप ऐसे समझिए इसको, ठीक है। तो ये मूवमेंट हो रहा है। अब देखो, अगर सेल के अंदर दोनों चीजें जाएं, सॉल्यूट भी जाए सॉल्वेंट भी जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, ठीक है, कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेल के बाहर कंसेंट्रेशन किसी चीज की बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो ज्यादा से वो सेल के अंदर चीज चली जाएगी। अब अगर अंदर चीज जाए, कौन कौन सी चीज, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी, अगर दोनों चीज अंदर जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। दूसरी बात, ऑस्मोसिस करते हैं। ऑस्मोसिस में लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट, ये ओनली वर्ड पे आपको खास ध्यान देना है, सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट, केवल पानी, केवल घोलने वाली चीज अंदर जाए, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये किशमिश आपने ली है, ठीक है, किशमिश आप लो, किशमिश आपने देखा होगा सिकुड़ी हुई रिंकल्ड फॉर्म में होती हैं, बिल्कुल छोटी साइज की होती हैं, उनको पानी में डाल दो 4-5 घंटे के लिए, 4-5 घंटे बाद क्या होगा, किशमिश फूल जाएंगी। क्यों फूली, क्योंकि बाहर पानी की मात्रा ज्यादा थी, किशमिश के अंदर पानी की मात्रा कम थी,
तो पानी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर चला गया और किशमिश में जितना पानी समा सकता था उतना पानी समा गया। ये किशमिश सूखी हुई आप देख रहे हो यहाँ पे, 4-5 घंटे के लिए हमने पानी में छोड़ दी। पानी में हमने छोड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये फूल जाए किशमिश। अब ये प्रोसेस क्या हो गई, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मूवमेंट केवल पानी की हो रही है, पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है, पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन क्या है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अंदर जाएं सेल के, या फिर दोनों ही सेल के अंदर से बाहर आए, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और डिफ्यूजन में क्या है, दोनों चीज आ जा रही है, और ऑस्मोसिस में क्या है, केवल पानी, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ और जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद हमें पढ़ना है कि ऑस्मोसिस के भी टाइप होते हैं। अगर कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, जैसे पानी बाहर था सेल के बाहर, पानी सेल के बाहर था, सेल के अंदर पानी गया है, ये सेल के अंदर पानी गया है, तो अंदर गया है पानी, ऐसी सेल के अंदर से कोई चीज निकल करके बाहर चली जाए, ठीक है। तो अगर कोई चीज अंदर जा रही है तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस, क्योंकि सेल के अंदर जा रही है। अगर कोई चीज सेल के अंदर से बाहर आए उसको हम बोलेंगे एक्सोस्मोसिस, ओके। ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा कि कोई भी सॉल्वेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आ रहे हैं या सेल के बाहर जा रहे हैं, सारी जो प्रोसेसिंग चल रही है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चल रही है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो प्रोसेस चल रही है वो सारी प्रोसेस वन बाय वन हम करते हुए यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मकसद अपना है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है, ताकि रट्टे ना लगाने पड़े, क्योंकि रटी हुई चीज बहुत कम समय के लिए रट ही पाते हैं हम, याद कभी नहीं होती वो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपके लिए हर एक सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहे हैं, किसके थ्रू अंदर आ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में आपने पढ़ा था वो सब चीजें। तो ऑस्मोसिस जो है वो दो प्रकार की होती है, ऑस्मोसिस दो प्रकार की होती है, एक होता है एंडोस्मोसिस और सेकेंड वन इज एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एंडो यानी कि अंदर, एक्सो यानी कि एग्जिट यानी कि बाहर जाना, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेल के अंदर ही पानी आएगा या सेल के अंदर का पानी बाहर नहीं जाएगा, भाई मूवमेंट दोनों तरफ हो सकती है, हो सकता है बाहर से पानी सेल के अंदर आ जाए, हो सकता है सेल के अंदर का पानी बाहर चला जाए। अगर पानी बाहर का पानी सेल के अंदर आ रहा है, यानी कि सेल के अंदर कोई चीज आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस। अगर सेल के अंदर का कोई पानी है, कोई मटेरियल है, लिक्विड कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सोस्मोसिस। इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस यही पार्ट था, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। जो लिखा हुआ उसको पढ़ डालो, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, कि ये सेल है और बाहर से पानी जो है, ये पानी भरा हुआ है बाहर, और ये पानी सेल के अंदर जा रहा है। देखो एरो मार्क मैंने किए हुए इस तरीके से, सेल के अंदर पानी जा रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने यूज करता हूं, किशमिश को पानी में भिगो दो, भिगोने के बाद में 4-5 घंटे बाद आप देखोगे कि सारे बाहर के पानी को, मैक्सिमम पानी जितना किशमिश के अंदर आ सकता था उसको किशमिश ने एब्जॉर्ब कर लिया है, सेल के अंदर वो पानी चला गया है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोस्मोसिस, उसका एग्जांपल क्या हो गया, एंडोस्मोसिस। अब सेल के अंदर से अगर पानी बाहर चला जाएगा तो वो एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, एक्सोस्मोसिस। उसके बाद में दो प्रोसेस हैं, ठीक है, दो प्रोसेस। देखिए हमने डिफ्यूजन पढ़ा, हमने डिफ्यूजन के अलावा हमने और ऑस्मोसिस पढ़ा। तो इसमें क्या था कि हायर एनर्जी, सॉरी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ जा रहे थे, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर ऊंची ढाल से नीची ढाल पर साइकिल जाती है या हम लोग जाते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर हम कम हाइट से ज्यादा हाइट की तरफ ऊपर बढ़ेंगे, कम हाइट से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी। और जहां भी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जहां भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, वो प्रोसेस एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप एक्टिव हो, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो वो पैसिव हो आप, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव एंड पैसिव वाले कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पढ़ा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहीं पर भी नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ प्रोसेस हैं, एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है। तो उनमें क्या होता है, जनरली किसी सब्सटेंस की एंट्री कराने के लिए सेल के अंदर या
सेल के अंदर से किसी सब्सटेंस को बाहर ले जाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसको हम पढ़ते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है, दो टर्म्स हैं, एंडोसाइटोसिस और सेकेंड वन एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है या हो सकता है कोई लिक्विड सब्सटेंस है, वो सेल के अंदर जाना चाह रहा है, लेकिन सेल के अंदर उसकी एंट्री ऐसे ही नहीं हो रही है, एनर्जी की वजह से हो रही है, एंडोसाइटोसिस कहलाएगी। कैप्चरिंग द सब्सटेंस और पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड द सेल बाय एंगल्फिंग इट विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय यूजिंग एनर्जी। ठीक है, इसको समझो पहले, एंडोसाइटोसिस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है और सेल के बाहर कोई सॉलिड सब्सटेंस, कोई छोटा सा पार्टिकल पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वो सेल का फूड मटेरियल पड़ा हुआ है, अब उस फूड मटेरियल को सेल को एंगल्फ करना है, ठीक है, अपने अंदर समेटना है, अपने अंदर लेना है, ठीक है, तो सेल को वो चीज चाहिए, तो सेल को एनर्जी लगानी पड़ेगी उस चीज की एंट्री अंदर कराने के लिए। तो सेल की मेम्ब्रेन एक विशेष एनर्जी के माध्यम से उस सब्सटेंस को एंगल्फ करती है, उसको अपने आप में समाहित कर लेती है, ठीक है, उसको अपने आप में समाहित कर लेती है, और इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, क्योंकि अंदर आ रहा है मटेरियल, एंडोसाइटोसिस। मेन रोल किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, कुछ भी कहो, तीनों नाम एक ही हैं, एक ही बात है। तो अगर यहां देखो, डायग्राम के माध्यम से मैंने बड़े ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ये एक सेल है, ये अंदर न्यूक्लियस बनाया हुआ है, ये सेल है, ठीक है, और ये बाहर कुछ सब्सटेंस पड़े हुए हैं, कोई प्रोटीन या सब्सटेंस है, कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है। अब सेल क्या काम करेगी, सेल इस जो बाहर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास में ये मॉलिक्यूल आया तो सेल मेम्ब्रेन ने अपने एक वेसिकल बना ली, वेसिकल मतलब एक पैकेजिंग बॉडी बना ली, ठीक है, तो यहां सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर को अपने अंदर की ओर अपने आप को समेट लिया और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक वेसिकल्स बना ली, दिस इज द वेसिकल्स, ये वेसिकल बनाई है, ये फूड मटेरियल है, इसको ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पहले सेल मेम्ब्रेन ऐसी थी, अब सेल मेम्ब्रेन ने कुछ ऐसे करके ऐसे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना ली है, तो इसको यहां कैप्चर कर लिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो ये गैप है अभी भी यहां से फूड मटेरियल बाहर जा सकता है यहां से, अब धीरे धीरे क्या काम करेगी, सेल मेम्ब्रेन इस कवरिंग को ऐसे करके पूरे को कवर कर लेगी, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन साथ चिपका हुआ है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इस मेम्ब्रेन से अलग, ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा सेल मेम्ब्रेन से यहां से अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद में ये वाली मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी और ये मटेरियल अंदर आ जाएगा, कहने का मतलब फूड मटेरियल को अंदर अपने समेट लिया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो मेम्ब्रेन रप्चर हुई थी, जिस मेम्ब्रेन में फूड सब्सटेंस था, वो मेम्ब्रेन कहाँ जाएगी, अब जो ये वाली मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन कहाँ जाएगी, ये फूड सब्सटेंस तो रिलीज हो गया, ये वाली मेम्ब्रेन जो है इस सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ जाएगी, उसी का एक पार्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये था एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के कुछ प्रकार होते हैं, एंडोसाइटोसिस के बेसिकली दो प्रकार हम पढ़ते हैं, एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फैगोसाइटोसिस। पिनो, पिनो मतलब पीना, लिक्विड सब्सटेंस, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड, अगर सेल किसी लिक्विड सब्सटेंस को अपने अंदर ले लिए, ठीक है, एनर्जी की हेल्प से, अगर एनर्जी की हेल्प से नहीं लेती तो वो ऑस्मोसिस हो जाता, एनर्जी की हेल्प से ले रही है तो ये हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। लिक्विड की बात करें, देखिए ये पी आई एन ओ पिनो, तो लिक्विड को ही तो पिया जाता है पिनो। उसके बाद में दूसरा जो टर्म है वो है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आप बहुत बार पढ़ेंगे, जब आप ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें WBCs पढ़ेंगे, आप कहोगे तब कि इनका फैगोसाइटिक एक्शन होता है। ये क्या करती हैं, जो यहाँ मैंने ये प्रोसेस बताई है, ठीक है, मैंने अभी फूड का एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल ये जो सेल है ये WBC है, वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये WBC है, और बाहर बैक्टीरिया आ गया सेल के ऊपर अटैक करने के लिए, हमारी बॉडी पे अटैक करने के लिए, तो हम ये पढ़ते हैं कि WBC का काम क्या होता है। WBC का काम होता है बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करना। बीमारी कौन कर रहा है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया मान लेते हैं, बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करने के लिए आए, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे, तो WBC हमारी रक्षा करेगी। कैसे रक्षा करेगी, वो बैक्टीरिया को किल कर देगी, मार देगी। कैसे मारेगी, ये बैक्टीरिया आया, ये हमारी WBC है,
इसको धीरे धीरे अपनी मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ ये रिकल करेगा, सुकड़ेगा, सुकड़न के बाद में इसको ये एंगल करेगा और अंदर लाइसोसोम की हेल्प से इसको किल कर देगा। ओके, तो ये एक्शन होता है फैगोसाइटिक एक्शन। ये देखो इंजेक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड में फैगोसाइटोसिस और लिक्विड में पिनोसाइटोसिस। एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया WBC फैगोसाइट्स द फॉरेन बैक्टीरिया। फॉरेन मतलब जो विदेशी बैक्टीरिया है, विदेशी नॉर्मली वर्ड यूज विदेशी हम नहीं कर सकते, विदेशी मतलब बाहर का, ठीक है, जो बॉडी से बाहर, अगर बॉडी की सेल होती तो नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन बैक्टीरिया तो एक फॉरेन सेल है, बाहर की सेल है, विदेशी सेल है, तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो WBC उसको फैगोसाइटिक एक्शन से किल कर देंगे, मार देंगे। उसके बाद में एक और टर्म है एक्सोसाइटोसिस। टर्म क्या है? एक्सोसाइटोसिस। कोई सब्सटेंस बना हुआ है सेल के अंदर, सेल ने सपोज करो प्रोटीन बनाई, सेल ने कोई एंजाइम बनाया, सेल ने कोई पॉलीपेप्टाइड्स बनाया। अब उस पॉलीपेप्टाइड को अंदर ही तो रखेगी नहीं सेल, उसको बाहर ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, किसी दूसरी सेल को देना पड़ेगा या कोई और काम में आएगा। सपोज करो ये यहाँ पे बनी हुई है प्रोटीन, यहाँ तो इसका यहाँ काम नहीं है तो इसको दूसरी जगह पे भेजना पड़ेगा। तो दूसरी जगह जो भेजने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट, सिक्रीटरी जो सेल ने सिक्रीट किया है, सेल ने रिलीज किया है, ठीक है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक प्रोटीन एटसेट्रा फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म मैंने बताया था ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर गोल्जी बॉडी है। ध्यान कीजिए, जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बेसिक बताया था कि गोल्जी बॉडी का काम होता है प्रोटीन की पैकेजिंग करना, तो सेल ने प्रोटीन बनाई। अब प्रोटीन को ऐसे ही तो हम रखेंगे नहीं, प्रोटीन को पैक करना पड़ेगा। भाई कोई भी चीज़ होती है तो पहले सपोज कीजिए बिस्किट्स हैं या कोई और फूड मटेरियल है, तो उसको खुले में नहीं मिलता, वो हमें पैकड मिलता है। तो गोल्जी बॉडी ने क्या काम किया, जो प्रोटीन रिलीज हुई थी इस प्रोटीन को क्या कर दिया, इस प्रोटीन को गोल्जी बॉडी ने एक चारों ओर कवरिंग बना दी इसकी, ठीक है, दी कवरिंग बनी हुई है, ये वाली कवरिंग बना दी प्रोटीन की। किसने बनाई? गोल्जी बॉडी ने। अब पैक कर दी प्रोटीन, इस पैक्ड प्रोटीन को हम कहां तक लेके जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका यूज है तो वहां यूज कर लेंगे, अन्यथा यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से रप्चर हो जाएगी, ये जो चीज है ये निकल करके बाहर आ जाएगी, ये बाहर आ जाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे वापस से बन जाएगी। अब ये जो मेम्ब्रेन बची हुई है, क्योंकि मेम्ब्रेन में बाउंड थे ना प्रोटीन, वो मेम्ब्रेन इसी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी, इसी में यूज हो जाएगी वो, ठीक है, समझ आया। सेल मेम्ब्रेन के बाद में सेल वॉल टॉपिक स्टार्ट करना है। सेल मेम्ब्रेन में आपने उसकी डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ी, ऑस्मोसिस पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा, अब सेल वॉल स्टार्ट करेंगे। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल कोशिका भित्ति हिंदी में बोलते हैं, भित्ति बोले तो दीवार, जैसे हमारे घरों में चारों तरफ दीवार होती है, ऐसी सेल के चारों तरफ भी एक दीवार पाई जाती है, एक हार्ड आउटर कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सेल वॉल होती है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, हम जनरली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह आती है कि सेल वॉल पाई किस किस में जाती है, क्या एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाएगी? एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में, फंगस में, बैक्टीरिया में, एल्गी में, इन सारी सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो प्लांट में, बैक्टीरिया में एंड फंगस में, वन बाय वन बात करते हैं। जो प्लांट के अंदर पाई जाती है सेल वॉल, वो किससे मिलकर बनी होती है? वो सेल वॉल बनी होती है सेल्युलोज से। वो किससे मिलकर बनती है? सेल्युलोज से। सेल्युलोज क्या है? एक अत्यंत हार्ड सब्सटेंस, एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉली मीन्स बहुत सारे, मैनी, और सेकेराइड मीन्स शुगर, यानी कि बहुत सारी शुगर से मिलकर के बनी हुई एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं सेल्युलोज, ठीक है। जानवर जो पालतू पशु होते हैं, जानवर जो होते हैं वो घास फूस खाते हैं, तो वो जनरली क्या कंज्यूम करते हैं? सेल्युलोज कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स घास फूस में ही आते हैं। तो अब सेकंड बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनती है? वो बनती है म्यूरामिक एसिड से, म्यूरामिक एसिड से। अब म्यूरामिक एसिड क्या है? ये होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का एक कंपाउंड। पेप्टिडो मीन्स पेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, और ग्लाइकेन्स मीन शुगर, यानी इसमें प्रोटीन भी है और शुगर भी है, दोनों की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स कहलाती है। म्यूरामिक एसिड से मिलकर के बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है बनती है।
देन फंगस की बात कर लेते हैं। फंगस की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? फंगस की जो सेल वॉल बनती है मिलकर के, वो बनती है काइटिन से, CHITIN, काइटिन। काइटिन क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड समझ गए, पॉली मीन्स बहुत सारी, मैनी सेकेराइड सुगर, और नाइट्रोजिनस उसकी स्ट्रक्चर में, पॉलीसेकेराइड की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व होए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए, तो वो क्या होता है? वो होता है काइटिन। अब हम जनरली प्लांट्स जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, दो मैंने सेल ड्रॉ की हुई हैं, एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, ठीक है। दो सेल आपस में से जुड़ी हुई हैं, तो इनको जोड़ने के लिए, इनको चिपकाने के लिए किसी चिपचिपे पदार्थ की हमें आवश्यकता होगी, किसी स्टिकी मटेरियल की आवश्यकता होगी, और इन दोनों के मिडिल में, ठीक है, एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, दोनों के मिडिल में क्या पाया जाता है? मिडिल लैमेला, एक परत होती है मिडिल लैमेला की, ठीक है। तो ये एक सेल है कंप्लीट, और ये दूसरी सेल है, ठीक है। बीच में जो ये परत आई, देखो आप इस वाली लाइन से आप देख पा रहे हो, जो ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, ये वाली लाइन, ये दोनों सेल के बीच में है, तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं इसको हम? मिडिल लैमेला। दो सेल को आपस में जोड़ रही है, मिडिल एक पोर्शन का काम कर रही है, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किससे मिलकर के बनती है? ये बनती है पेप्टिन से। मिडिल लैमेला किससे मिलकर के बनती है? पेप्टिन से। अब पेप्टिन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड आप समझ चुके हो क्या होता है। पेप्टिन एक स्टिकी पॉलीसेकेराइड होता है। स्टिकी मीन्स गोंद के समान, गोंद होता है ना, चिपचिपा सा गम, तो एक स्टिकी पॉलीसेकेराइड होता है जो पेप्टिन होता है, वो क्या होता है? एक स्टिकी पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, एक स्टिकी पॉलीसेकेराइड। स्टिक मतलब चिपकना, ताकि दो सेल आपस में चिपक जाए। किसे चिपकेंगे? मिडिल लैमेला। किससे बनती है? पेप्टिन से। पेप्टिन क्या है? चिपचिपा पॉलीसेकेराइड, स्टिकी पॉलीसेकेराइड। इसके बाद में इसके अंदर की तरफ, ये एक सेल है कंप्लीट, तो ये सबसे बाहर वाली क्या हुई? मिडिल लैमेला, दो सेल के बीच में। अंदर क्या है? ये जो मैंने डार्क डार्क ड्रॉ की है इस तरीके से, जो ये पोर्शन है, जो ये वाला, ये जो पोर्शन है जहां मार्कर घूम रहा है, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या कहलाता है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल मिलके बनता है सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, पेक्टिन से, ठीक है। सेलुलोज हेमी सेलुलोज ये आप जान चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल हुई। जब प्राइमरी सेल वॉल बन के प्लांट्स में तैयार हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में जो वुडी प्लांट्स होते हैं, जनरली लकड़ी वाले जो लंबी कदकाठी के प्लांट्स होते हैं जिनमें लकड़ी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, उन प्लांट्स में प्राइमरी सेल वॉल बनने के बाद में एक और सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये क्या है? ये सेकेंडरी सेल वॉल मैंने ड्रॉ की है। देखो ये सबसे बाहर मिडिल लैमेला, ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल, और ये जो ये डॉटेड मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इस तरीके से, ये राउंड राउंड शेप में, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी, और ये CW सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल बनती है लिग्निन से, सुबेरिन से, और वुडी प्लांट्स में होती है। ये सभी आपको नाम याद करने पड़ेंगे, इन नामों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा पोर्शन हुआ। अब देखिए, दो सेल आपस में जुड़ी नहीं है, तो इनमें बहुत सारे बारीक बारीक छेद होते हैं, कहने का मतलब सेल वॉल में छेद होते हैं, ठीक है। इस छेद की चर्चा हम करेंगे, इन हॉल्स की चर्चा हम करेंगे। अच्छा, ये सबसे बाहर मिडिल लैमेला, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी भी जिसमें टर्शरी सेल वॉल पाई जाती है, अन्यथा सबसे अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, क्या बोलते हैं इसको हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में होती है, ठीक है। तो हमने एक होल्स की बात की थी, सपोज करो ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो इसका मटेरियल इस सेल में जाएगा, इस सेल का मटेरियल जो खाद्य पदार्थ है, जो फूड मटेरियल है, वो हमें इस सेल में भेजना है। तो बीच में ये ट्यूब लगा दी हमने, इस ट्यूब से यहाँ का मटेरियल यहाँ चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। आपको ये नजर भी आ रहा होगा इसी तरह तरीके से कुछ एक ऐसा पोर्शन। ये जो होल होता है जो कि दो सेल को कनेक्ट करता है आपस में, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाता है। क्या है ये? लिंक बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के मध्य आदान प्रदान होता है पदार्थों का, सब्सटेंस का, जो इसमें एक कुछ मटेरियल यहां से यहां जाएगा, कुछ यहां से यहां जाएगा। किसके थ्रू जाएगा वो? प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जाएगा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद में देखिए फीचर देख लेते हैं। यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा, क्या है, ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। इसमें जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं?
सबसे बाहर मिडिल लैमेला जो कि दो दो सेल्स को जोड़ने काम कर रही है, पेक्टिन से मिलकर बनी होती है, पेक्टिन क्या एस्टी की पॉलीसेकेराइड, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल, सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल जो कि लिग्निन सुबेरिन बूडी प्लांट्स में होता है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। उसके बाद में फीचर्स ऑफ सेल वॉल, कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से विशेषताएं हैं इसकी सेल वॉल की। पहली विशेषता क्या है, प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू सेल, रिजिडिटी हार्डनेस। सेल वॉल जो है वो क्या करती है, सेल को हार्डनेस प्रोवाइड करती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखो ये मैंने लगभग राउंड शेप में बनाई है सेल वॉल, तो सेल की शेप भी कैसी हो गई, राउंड हो गई। अगर मैं इसको ऐसी ड्रॉ करता रेक्टेंगुलर, तो ये कैसे हो जाती, रेक्टेंगुलर हो जाती। तो कहने का मतलब क्या है, सेल वॉल जैसी होगी सेल की शेप भी वैसी ही हो जाएगी। उसके बाद में नॉन लिविंग नेचर, नेचर कैसा होता है इसका, नॉन लिविंग नेचर होता है, ठीक है, लिविंग नेचर नहीं होता है। परमिएबल होती है, इसमें से पदार्थों का आदान प्रदान आराम से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक कोई चीज के अंदर चली जाएगी, हर एक कोई चीज अंदर से बाहर चली जाएगी, ठीक है। जनरली ये परमिएबल कंसिडर करते हैं हम इसको, ठीक है। पारगम्य होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग सबसे बाहर की कवरिंग होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट, इन इनमें पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाएगी, बता दिया, बैक्टीरियाज में, फंगाई में और एल्गी में पाई जाती है, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद में दो बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, उन टर्म्स को जानना बहुत ही जरूरी है। एक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस, एक दूसरी टर्म है डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मीनिंग क्या हुआ, अगर कोई सेल है, सपोज करो इस सेल में पानी भरा हुआ है, इस सेल में पानी भरा हुआ है, और वो पानी जो सेल वॉल में जो छेद पाए जाते हैं उन छेद से सारा पानी बाहर निकल जाए, ठीक है। अगर वो पानी बाहर निकल जाए तो सेल क्या काम करेगी, सेल सिकुड़ जाएगी, ठीक है। सेल कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से सिकुड़ी हुई हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वाटर रिलीज्ड आउट बाय सेल, जो सेल के अंदर जो पानी था, सेल के अंदर जो पानी था वो सारा बाहर निकल गया, तो सेल सिकुड़ जाएगी, रिंकल्ड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, मान के चलो कोई सेल है और उसके अंदर पानी भर गया है, उसके अंदर क्या हुआ है, पानी भर गया है, पानी को एब्सॉर्ब कर लिया है उसने, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डी प्लाज्मोलाइसिस। तो इसमें तो सेल सिकुड़ जाएगी, रिंकल्ड हो जाएगी, और इसमें सेल स्वेल हो जाएगी, ठीक है, फूल जाएगी। तो ये सब था किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पढ़ा आपने, सेल वॉल पढ़ा आपने, दोनों का आपने कंपैरेटिव स्टडी कर चुके हो, ओके। सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल वॉल डिस्कस कर चुके हैं, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बाद में हम दोनों में कंपैरेटिवली, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, सेल वॉल हमने यहाँ मेंशन की है, सेल मेम्ब्रेन हमने यहाँ मेंशन की है, इनके बारे में डीपली हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी हमें करनी है, ठीक है। तो सेल वॉल सबसे पहले बात करते हैं, कहाँ पाई जाती है, किन में पाई जाती है। सेल वॉल पाई जाती है प्लांट की सेल में पाई जाएगी, ठीक है, प्लांट की सेल में पाई जाएगी, बैक्टीरिया की सेल में पाई जाएगी, फंगस और एल्गी की सेल में पाई जाएगी। तो ये तीन चार नाम आपको याद रखने हैं जिन्हें प्लांट सेल पाई जाती, सॉरी सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट सेल में, फंगस में, एल्गी में, बैक्टीरिया में। सेल मेम्ब्रेन सभी के अंदर पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, जनरली प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी सब में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देन जो सेल वॉल होती है उसका नेचर नॉन लिविंग होता है, सेल वॉल का नेचर कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है लिविंग, ठीक है। उसके बाद में सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, उसकी रिजिड स्ट्रक्चर कौन बना रहा था, हमने डिस्कस किया था सुबेरिन, लिग्निन, सेलुलोज, ये सारे हार्ड सब्सटेंस थे, इन्होंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाई थी सेल वॉल की, तो इसकी रिजिड यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर है, जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। उसके बाद में सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि सेल वॉल के अंदर कोई भी चीज आसानी से आ जा सकती है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हर एक चीज आ जा जाएगी, लेकिन जनरली जो वाटर कंटेंट है या फिर जो सॉल्वेंट होते हैं जितने भी, अक्सर सॉल्वेंट सारे इसमें फ्रीली परमिएबल कर सकते हैं, एंटी सेल वॉल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी कैसी है, दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल, हर कोई सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर नहीं आ सकता, ये अंदर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इसका नेचर सेलेक्टिव परमिएबल है, ये बात हम पहले बता चुके हैं सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है, ठीक है, इसकी सेलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है, कुछ खास सेलेक्टिव चीजें ही सेल के अंदर जा पाएंगी, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू।
अब देखते हैं सेल वॉल किससे मिलके बनती है। सेल वॉल जो होती है वो मेनली बनती है सेलुलोज से। किससे बनती है? सेलुलोज से। हमने एक बेसिक हमने बात की है प्लांट सेल को कंसिडर किया है सेल वॉल के लिए, तो सेलुलोज से मेनली वो बनती है। ठीक है, अक्सर क्या होता है उसमें जो स्ट्रक्चरल मेन कॉम्पोनेंट्स है सेल वॉल का वो क्या है? सेलुलोज है। ठीक है, सेलुलोज क्या था? एक पॉलीसेक्राइड था। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? पॉली यानी कि मैनी, बहुत सारे, सेकेंड शुगर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत सारे शुगर से मिलकर के जो बनी हुई हो। इसकी बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बननी होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। इस तरीके से ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये सब फॉस्फोलिपिड्स की डबल लेयर होती है, बाई लेयर। ठीक है, और इनके बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन जो है इसमें पाई जाती है, एम्बेडेड होती है, इसके अंदर धसी हुई रहती है प्रोटीन। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कभी इनके बीच में भी ये ऐसे प्रोटीन होती है। ठीक है, सैंडविच खाया होगा ना, सैंडविच की फॉर्म में होते हैं, ऊपर फॉस्फोलिपिड, नीचे फॉस्फोलिपिड, बीच में क्या है? ये बीच में क्या है? ये प्रोटीन है। जो मार्कर है उसको आप प्रोटीन समझो, जो दोनों हाथ हैं उनको आप फॉस्फोलिपिड समझो। दो लिपिड की लेयर के बीच में प्रोटीन्स पाई जाती है, तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मेनली बनती है क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिफरेंस किसमें? सेल मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में। ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया है, सेल वॉल डिस्कस कर लिया है। ओके।